नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी और आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और यह आपके फायदे के लिए ही होती हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, अपने पूरे जीवन काल में हर कोई व्यक्ति सर दर्द का शिकार हो ही जाता है। आंखों में थकान, धूप में ज्यादा समय बिताने, गलत तरीके से सोने या नींद पूरी ना होने और खान पान में गड़बड़ी आने के कारण होती है। इसके अलावा कई बार सर्दी, जुखाम, बहुत ज्यादा थकान की टेंशन होने पर भी सर में दर्द होने लगता है। जब सर में दर्द कभी कभी या कम समय के लिए होता है तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब सर में दर्द बार बार या लंबे समय तक होने लगे तो यह माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। माइग्रेन एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी होती है, साथ ही यह समय के साथ साथ बढ़ती भी रहती है। माइग्रेन को समझना और इसका इलाज करना एक पेचीदा काम है, इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि माइग्रेन में होने वाले दर्द से छुटकारा पाना खुद अपने आप में एक सरदर्द बन जाता है, क्योंकि माइग्रेन में होने वाला दर्द एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है और साथ ही अलग अलग लोगों में इसके होने की वजह भी अलग अलग हो सकती है। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसके कारण कोई भी काम कर पाना असंभव हो जाता है और फिर हमारे पास दवाइयों खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ऐसा होने पर धीरे धीरे दवाइयों की आदत पड़ने लग जाती है, जिसका हमारा पेट और किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाइयां खाना किसी भी स्थिति में माइग्रेन या सरदर्द का सही तरीका नहीं होता। इस बीमारी को केवल अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर और कुछ आसान घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके ही हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ इन तरीकों से ही इस बीमारी के जड़ पर असर होता है और फिर बार बार सर दर्द या माइग्रेन की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही असरदार नुस्खों और सावधानियों के बारे में, जिनके पहले ही इस्तेमाल से सर दर्द और माइग्रेन की समस्या में फर्क आने लगेगा और साथ ही लगातार इनके इस्तेमाल से यह बीमारी कम समय में ही ठीक हो जाती है। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि सर में दर्द आखिर होता क्यों है। हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन नामक केमिकल पाया जाता है, जो कि हमारे मूड, इमोशंस और भावनाओं की वजह से प्रभावित होता है। जब हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तब हमें खुशी महसूस होती है और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो इसकी वजह से टेंशन, स्ट्रेस, सरदर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन या लगातार सर में दर्द रहता है उनके दिमाग में सेरोटोनिन केमिकल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ रहता है। इसलिए जिन लोगों की रोजाना जिंदगी में टेंशन ज्यादा होती है और जो लोग बचपन से या एक लंबे समय से अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें एक समय पे आकर गंभीर माइग्रेन की समस्या हो ही जाती है। माइग्रेन का दर्द मुख्यतः आधे सर में आंखों के पीछे या आंखों के आसपास वाले हिस्से पर होता है और आयुर्वेदिक के नजरिए से अगर देखा जाए तो इस तरह का दर्द शरीर में वात पित्त के अधिकता के कारण होता है। इसलिए ज्यादातर माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित लोगों को एसिडिटी, गैस या पेट की कोई दूसरी समस्या होती ही है। माइग्रेन होने पर तेज लाइट को तेज आवाज से सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही कुछ लोगों को किसी तरह की स्मेल या कोई विशेष चीज खाने पर माइग्रेन होने लगता है। लंबे समय तक भूखे रहने या शरीर में पानी की कमी होने से भी अचानक सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही नींद पूरी ना होने या बहुत ज्यादा काम में टेंशन होने से भी माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो इलाज और नुस्खों के साथ साथ परहेज और सावधानियां बरतना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह उन बीमारियों में से है जिनमें से दवाइयों से ज्यादा परहेज और सावधानियां बरतने से फर्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं माइग्रेन या सरदर्द होने पर किन नुस्खों के इस्तेमाल से हमें जल्दी लाभ मिलेगा और कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खों की और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ खाए जाने वाले उपायों की। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी बादाम का तेल, गुलाब जल, चंदन पाउडर और पेपरमिंट ऑयल की। सबसे पहले एक चम्मच बादाम के तेल में लगभग 5 बूंद पेपरमिंट ऑयल डालकर इससे अपने सर और फोरहेड की 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। पेपरमिंट ऑयल हमारे दिमाग की नसों को शांत करता है और साथ ही इसके इस्तेमाल से लंबे समय तक दिमाग को ठंडक प्रदान होती है और तेज हो रहे सर दर्द में तुरंत राहत मिलती है। 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करने के बाद एक चम्मच चंदन पाउडर में एक चम्मच गुलाब जल और 7 से 8 बूंदे पेपरमिंट ऑयल की मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और उसके बाद इस पेस्ट को अपने फोरहेड यानी कि पूरे माथे पर अच्छी तरह से लगा लें। चंदन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि ना सिर्फ दिमाग को ठंडक प्रदान करती है बल्कि दिमाग की थकान और स्ट्रेस को भी दूर करती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम में मसाज और चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल रोजाना रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए किया जा सकता है और साथ ही तेज दर्द होने पर भी इनके इस्तेमाल से तुरंत राहत मिलती है। रात को सोते समय अगर आप
अपने माथे पर चंदन लगाते हैं तो इसकी केवल एक पतली लेयर ही लगाएं, ताकि लगाने के बाद ही आसानी से सूख जाए। इसके अलावा एक और नुस्खा है जिसका कि रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने से सर दर्द और माइग्रेन की समस्या में राहत मिलती है, वह है बादाम का तेल और गाय का घी। माइग्रेन होने पर हमारे दिमाग की नसों में सूखापन और कमजोरी आ जाती है, जिससे कि थकान होने पर या लगातार रोशनी के संपर्क में रहने पर हमारा दिमाग उससे सहन नहीं कर पाता और इस वजह से आंखों के आसपास और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में इस कमजोरी को दूर करने के लिए गाय का घी और बादाम का तेल बहुत अधिक फायदेमंद होता है। घी को पहले हल्का गर्म कर ले और रोजाना रात को सोने से पहले ड्रॉपर की मदद से इसकी एक एक बूंद को अपनी दोनों नाक में डालकर लेट जाएं। उसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लें। ऐसा करने से घी का कुष्ठ अर्श हमारे गले और कुछ हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह से बादाम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक बार में घी और बादाम के तेल में से किसी एक चीज का ही इस्तेमाल करें। इसमें हमें केवल रोगन बादाम तेल का ही इस्तेमाल करना है। सर में लगाने वाले तेल का इस्तेमाल इसमें ना करें। अगर रोजाना आप अपनी नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालकर सोते हैं तो मात्र 7 दिनों में ही आपको इस समस्या में कमाल का फर्क नजर आने लगेगा और धीरे धीरे यह बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, घी केवल शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, इससे आपको जल्दी परिणाम प्राप्त होंगे। गाय का घी हमारे दिमाग पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। यह जितना पुराना होता रहता है यह उतना ही असरदार बनता रहता है। अब बात करते हैं कुछ खाए जाने वाले नुस्खों के बारे में। माइग्रेन या सरदर्द होने पर अदरक की चाय का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच सौंफ डालकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लें। उसके बाद इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। इस तरह से यह चाय तैयार हो जाएगी। हफ्ते में 3 बार इस चाय का सेवन करें या जिस समय आपको सर में दर्द होता है उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का सीधा असर सर दर्द पैदा करने वाले हॉर्मोन्स पर होता है और साथ ही यह हमारे पेट के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल ना करें। 1 या 2 दिन छोड़कर ही इसे यूज करें। इसके अलावा बादाम, अखरोट और अलसी का सेवन करना भी माइग्रेन होने पर चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है, लेकिन अच्छे और जल्दी परिणाम के लिए इसे सही तरीके से ही खाया जा सकता है। 7 से 8 बादाम और अखरोट को रात भर के लिए पानी में गलाकर रख दें। उसके बाद अगले दिन इनके छिलके निकालकर सुबह के समय या दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इसी तरह से अलसी का सेवन भी दिन में 1 बार 1 चम्मच खाना खाने के बाद किया जा सकता है। अलसी, बादाम और अखरोट में कई तरह के पोषक तत्व और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जिनका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। खासकर सर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या में यह दवाई की तरह काम करते हैं और बादाम और अखरोट का सेवन रात भर लगाकर और छिलके निकाल कर ही करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाने की वजह से अक्सर सर में दर्द रहता है, उन्हें हमेशा अल्कलाइन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गाजर, चुकंदर और पालक का जूस बनाकर पीने से इन समस्या में बहुत तेजी से आराम मिलने लगता है। पालक, गाजर और आयरन, विटामिन और कई तरह के फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है और यह सभी हमारे दिमाग की नसों को मजबूत करने और खासकर सर में दर्द होने वाले को कम करने का काम करते हैं। रोजाना सुबह नाश्ते में पालक, चुकंदर और पालक का जूस पीने से यह हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाकर हमें दिन भर के लिए अच्छी एनर्जी भी प्रदान करता है। इसका जूस बनाने से पहले पालक को अच्छी तरह से धोकर 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें और गाजर तथा चुकंदर के छिलके निकालने के बाद यह जूस बनाएं। माइग्रेन या सर में दर्द होने वाले किसी भी तरह के दर्द की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है, इसलिए कभी भी पेट में एसिडिटी और गैस नहीं होना चाहिए और हमेशा पेट भी पूरी तरह से साफ होना चाहिए। इसके लिए रोजाना रात को खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चून का सेवन जरूर करें। त्रिफला चून हमारे पेट के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है। त्रिफला चून का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जमी हुई हर तरह की गंदगी बाहर निकलती रहती है और सर में होने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सभी तरह के नुस्खों, दवाइयों या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ माइग्रेन की बीमारी में कई तरह की सावधानियां बरतना भी बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा रही होती है और साथ ही इनकी वजह से किए गए नुस्खे और ली गई दवाइयों का असर भी बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। सर दर्द और माइग्रेन की समस्या में जो सबसे खतरनाक होता है वह कैफीन। कैफीन एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से सर दर्द और माइग्रेन का इलाज पूरी तरह असफल हो सकता है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन करने से भी हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि सर दर्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ज्यादा खट्टी चीजें जैसे कि अचार, चाट और खट्टे फलों का सेवन कम से कम करना चाहिए। बहुत ज्यादा रूखी सूखी ऐसी चीजें
चीजें जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पैदा करती है उसका सेवन करने से पेट में गैस की मात्रा बढ़ती है और यह बढ़ी हुई गैस कई बार सर में तेज दर्द पैदा कर देती है। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी चीजें जैसे कि चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, आइसक्रीम, पैकेट में मिलने वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन कम से कम करना चाहिए और खाने में हमेशा गीली यानी कि ग्रेवी वाली चीजें ज्यादा खाएं। बाहर मिलने वाली मैदे से बनी चीजें जिन्हें हमारे पेट को पचाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसी चीजें भी माइग्रेन की बीमारी को काफी हद तक बढ़ा देती है। माइग्रेन और सर दर्द की बीमारी में जिस चीज से सबसे ज्यादा जल्दी असर दिखता है और जिसके जरिए इस बीमारी को पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है वह एक दिमाग की शांति और योग। बार बार होने वाले सर में दर्द से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने दिमाग को पूरे समय शांत रखें। दिमाग शांत रखने के लिए सबसे पहले तो 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि एक अच्छी नींद से ही हमारे दिमाग के नसों को आराम मिलता है और साथ ही स्ट्रेस और टेंशन भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है तो आपके सर में दर्द हमेशा बना ही रहता है। इसके अलावा दिमाग को शांत करने के लिए रोजाना सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम यूज करें। यह इतना असरदार होता है कि इसे करने से पहले दिन से ही आपको फर्क नजर आ जाएगा और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे करना बहुत ज्यादा आसान है। इसे करने का सही तरीका क्या है उसे जानने के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है उन्हें देख सकते हैं और उन लोगों को पानी भी ज्यादा पीना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।